कानपुर में पुलिस की टीम पर बड़ा हमला, 8 जवान शहीद। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है। लगातार कानपुर मंडल की जितनी सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आसपास के इलाकों में विकास दुबे और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए सुबह से ही ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, बड़ी खबर है, जो क्विक एक्शन हुआ है उसमें विकास दुबे के 2 साथी, 2 बदमाश मार गिराए गए हैं। बिल्कुल माल गिराया गया है। हमारे साथ कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल जी हैं। सर, लेटेस्ट क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कल रात की जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे जिले की फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था। लगातार सभी अधिकारी, हमारे पीएसी के जवान जंगलों में कॉम्बिंग कर रहे थे और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे थे कि अपराधी जिले की सीमा ना क्रॉस करने पाए। और उसी कॉम्बिंग के दौरान जो है इन अपराधियों से सुबह के टाइम में मुठभेड़ होती है, जिसमें 2 अपराधी जो हैं पुलिस की जवाबी गोलीबारी में मारे गए हैं। हमारे 2 पुलिसकर्मी भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। और पुलिस का जो असलाह रात में लूटा गया था उसमें से 1 असलाह इन अपराधियों से जो इनकाउंटर में मारे गए हैं उनसे बरामद हुआ है। सर, पहचान हो पाई क्या जो 2 अपराधी मारे गए हैं? देखिए, अभी इन अपराधियों की पहचान के लिए गांव के लोगों को बुलाया गया है, कुछ ही देर में इनकी पहचान कर ली जाएगी। विकास दुबे को लेकर कोई सूचना सर? देखिए, अब ये गांव के लोग ही बता पाएंगे। चलिए, तो ये देखिए कानपुर रेंज आईजी थे और बहुत बड़ी खबर ये इन्होंने बताया कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई में 2 बदमाशों को मार गिराया गया है और साथ ही साथ इस पूरी कार्रवाई में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस से जो हथियार लूटा गया था उनमें से 1 हथियार की भी रिकवरी कर ली गई है। अब ये जो 2 अपराधी मारे गए हैं वो कौन है, क्या उनमें विकास दुबे भी शामिल है, इसकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार पुलिस जिस तरह कार्रवाई कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उसके बाद 2 लोगों का मार गिराया जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए अपराधी हैं उनको भी पुलिस पकड़ लेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस ठीक है, अमित फिलहाल मामले में पूरी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। 2 बदमाशों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, अभी भी ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है।